नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डिप्लोमा की एग्रीगेट या टोटल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपका डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज है। दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा ईयर वाइज किया है उस पर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि उसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करिए, आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है दोस्तों, जिन्होंने बोला है कि उनका जो डिप्लोमा है वो सेमेस्टर वाइज है, तो वो अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो ईयर वाइज था वहाँ पर एक साल में 1000 मार्क्स होते थे, लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज भी एक सेमेस्टर 1000 मार्क्स के समथिंग हो गया है। तो अब उसकी एग्रीगेट मतलब जो टोटल परसेंटेज होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, अगर आप कहीं प्राइवेट इंटरव्यू देने जाते हो या आप किसी भी फॉर्म भरते हो वहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज पूछी जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एग्रीगेट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी आपके समझ में आएगी वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर जैसा कि मैं बता रहा हूँ डिप्लोमा की हम बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों अगर आपका डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज है तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, डिप्लोमा होता है 3 साल का। अब आपका डिप्लोमा हो गया, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो दोस्तों डिप्लोमा हो गए सिर्फ 6 सेमेस्टर, मतलब एक डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर हो गए। अब तो अब हम उसकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे। अब आपका अगर एक सेमेस्टर 1000 मार्क्स का है, सेकेंड सेमेस्टर भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी और सिक्स भी, सभी सेमेस्टर आपके 1000 मार्क्स के हैं, तो आप कैसे निकालोगे। तो दोस्तों मैं वही बताता हूँ आपको। दोस्तों क्या करना है, जो अगर आपका एक सेमेस्टर 1000 मार्क्स का है तो आप 1 साल का निकालिए, मतलब अपना 1000 और 1000, मतलब 2 सेमेस्टर के टोटल मार्क्स को ऐड कर लीजिए, तो 1 साल का कितना हो गया 2000। और दोस्तों अब क्या करिए, आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को ऐड कर दीजिए, वो भी 2000 हो गए। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर को ऐड कर दीजिए, वो भी 2000 हो गए। मतलब अब आपकी आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट ईयर 2000 मार्क्स की, सेकंड ईयर 2000 मार्क्स की और थर्ड ईयर आपकी 2000 मार्क्स की। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि सभी मार्क्स टोटल ऐड करने हैं, आपको दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट ईयर से सिर्फ 30% लेना है। अब वो 30% कैसे लेना है, 30% दोस्तों ऐसे लेना है कि अगर आपके 2000 हैं तो 2000 का आप 30% लीजिए। आप अगर 2000 का 30% निकालोगे तो वो आएगा दोस्तों 600। अब दोस्तों 600 आपने 30% ले लिया, अब आपको 30% जो 2000 में से आपके मार्क्स आए हैं वो भी 30% लेने हैं, वहाँ से आप 30% ले लीजिए। ऐसे दोस्तों सेकंड ईयर से आप 70% लीजिए, मतलब आप 2000 का 70% लीजिए। अब दोस्तों 2000 का 70% होता है 1400। और दोस्तों जो 2000 में से आपके ऑप्टेंड मार्क्स आए हैं, जैसे दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जैसे दोस्तों आपके 1000 में से 500 मार्क्स थे और फोर्थ में भी 1000 में से 500 मार्क्स थे, तो मतलब टोटल आपके 2000 में से 1000 मार्क्स हो गए, तो 1000 का भी आपको 70% लेना है, मतलब 700 मार्क्स हो गए, और 2000 के भी आपको 70% लेना है। मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टोटल मार्क्स का भी 70% लेना है आपको, और दोस्तों आपको ऑप्टेंड मार्क्स के भी 70% लेना है। ऐसे ही फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर का आपको 30% लेना है ऑप्टेंड मार्क्स, और 30% ही लेना है आपको टोटल मार्क्स। लेकिन दोस्तों जो आपका वो होगा फाइनल ईयर होगा दोस्तों, वो आपको लेना है पूरा 100%। मतलब अगर 2000 मार्क्स का है तो 2000 मार्क्स ही ऐड करने हैं आपको, और ऑप्टेंड मार्क्स भी पूरे लेने हैं आपको 100%। अब दोस्तों अगर आप इसे ऐड करते हो 600 फर्स्ट ईयर से, और आपका सेकंड ईयर से 1400, और थर्ड ईयर से 2000, तो ये दोस्तों आपके हो गए 4000। तो आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज बनेगी वो दोस्तों बनेगी 4000 में से। अब दोस्तों मैं आपको एक मार्कशीट ली है मैंने, उस मार्कशीट में उनके जो मार्क्स हैं मैं बताता हूँ, उनकी जो एग्रीगेट परसेंटेज बनी है वो कैसे बनी थी, और पूरा बताऊँगा दोस्तों उनके कितने मार्क्स आए थे और कितने कितने मार्क्स लिए यूनिवर्सिटी ने। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में 1000 में से 700 मार्क्स आए थे, सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों 1000 में से 750 आए थे,
थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों 1000 में से उनके 780 आए थे। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ये मतलब मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये मार्कशीट से लिए हैं मैंने, एक मार्कशीट थी उससे मैंने ये मार्क्स लिए हैं और उनकी एग्रीगेट परसेंटेज निकाली है और बिल्कुल दोस्तों एकदम ठीक आई है। तो दोस्तों मैंने थर्ड सेमेस्टर से 1000 में से 780 मार्क्स, फोर्थ सेमेस्टर में 1000 में से 710 मार्क्स, फिफ्थ में से 1000 में से 800 मार्क्स और सिक्स्थ सेमेस्टर में 1000 में से 810 मार्क्स आए थे। अब दोस्तों इनकी एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकाली, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर दोस्तों ले ली 2000, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों ऐड कर दिया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर 1000 का था, सेकंड सेमेस्टर 1000 का था, दोनों को ऐड कर दिया, 2000 हो गए। अब इनके फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे 700 मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर में आए थे 750 मार्क्स, तो 700 और 750 दोनों को ऐड कर दिया तो इनके टोटल जो हुए वो हुए 2000 में से 1450 मार्क्स। अब दोस्तों ऐसे ही क्या हुआ, थर्ड ईयर में दोस्तों इनके 780 थे और फोर्थ सेमेस्टर में 710 थे, अगर इन दोनों को टोटल किया जाए दोस्तों तो 1490 हो गया, ये भी 2000 में से हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर को ऐड कर दो, 800 और 810 मार्क्स आए थे तो इनके 1610 मार्क्स हो गए 2000 में से। अब ये हमने दोस्तों ईयर वाइज कर लिया, जो मतलब हमारे 6 सेमेस्टर बने थे वो हमने थर्ड ईयर मतलब 3 साल में अलग अलग कर लिया, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर कर लिया। अब क्या करिए, फर्स्ट ईयर से 30% लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर फर्स्ट ईयर से आप 30% लेंगे, सबसे पहले तो आपको 2000 का भी 30% लेना होगा, तो 2000 का दोस्तों 30% हो गया 600। उसके बाद दोस्तों आपको जो 2000 में से 1450 मार्क्स आए थे, 1450 का भी 30% लेना होगा। अब दोस्तों 1450 का 30% लेने के लिए क्या करना होगा, 1450 को 100 से डिवाइड कर दो और 30 का मल्टीप्लाई कर दो, इस ऐसा करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 435। तो दोस्तों इनके जो फर्स्ट ईयर में से मार्क्स काउंट होंगे वो 1450 नहीं होंगे, वो अब सिर्फ 435 होंगे और टोटल मार्क्स 600 काउंट होंगे। और वहीं पर दोस्तों सेकंड ईयर में 70% लिया, इनके सेकंड ईयर में आए 1490 का अगर आप 70% निकालोगे तो 1490 को 100 से भाग कर दो और 70 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 1043। अब आपको 2000 का भी 70% निकालना है तो 2000 का 70% क्या है, 2000 को दोस्तों 100 से डिवाइड कर दो और 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1400 आएगा। तो ये इनके जो 1400 मार्क्स बने दोस्तों, 1400 में से मार्क्स बने 1043 सेकेंड ईयर में। अब दोस्तों थर्ड ईयर में 100% इनके दोस्तों 1610 आए हैं, 1610 के 1610 काउंट होंगे। अब दोस्तों ऑप्टेंड मार्क्स को अलग ऐड कर लो और दोस्तों टोटल मार्क्स को अलग ऐड कर लो, टोटल मार्क्स 4000 बैठते हैं और दोस्तों ऑप्टेंड मार्क्स अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के काउंट की जाए तो 435, 1043, 1610, ये दोस्तों होते हैं 3088। कितने में से दोस्तों 4000 में से। अब क्या करेंगे इसकी परसेंटेज निकालने के लिए, 4000 से 3088 जो आया है 3088 उसे डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो जो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी एग्रीगेट होगी, टोटल परसेंटेज होगी वो। और दोस्तों जो इनकी परसेंटेज निकल के आई वो आई 77.2। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी टोटल या एग्रीगेट परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आपका डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज है तो आप इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, अगर आपका डिप्लोमा ईयर वाइज है तो यहाँ पर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके ईयर वाइज वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।